Hello students, I'm Lavika. Welcome to Lavika classes. Today I'm going to discuss exercise 6.3 lines and angles, sharp number 6. Start karte hain video, lekin video start karne se pehle don't forget to hit like button, share this video, subscribe my channel for more videos. Let's start the video. In this video I'm going to cover question number 4, question number 5 and question number 6. In the figure, if lines PQ and RS intersect at point T, P, Q and RS line जो है वो आपको T point पर intersect करती हैं और आपको given है PRT की value 40 degree, RPT की value 95 degree and TSQ की value आपको 75 degree given है. Find SQT, आपको SQT find out करना है. आपने triangle ले लेनी है PRT, PRT triangle के अंदर आपके पास P plus R plus T, इन तीनों का जो sum होगा वो 180 degree के equal हो जाएगा because ये angle sum property है. तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी आर टी आर पी टी प्लस पी आर टी प्लस पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी और आर पी टी की वैल्यू हमारे पता है 95 डिग्री है वो सब्सटीट्यूट कर देंगे पी आर टी की वैल्यू 40 डिग्री सब्सटीट्यूट कर देंगे प्लस पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री नाउ 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री प्लस पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री तो हम क्या करेंगे 135 डिग्री प्लस पी टी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री ये भी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी है पी टी आर की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री दैट इज 45 डिग्री तो पी टी आर हमारे पास आ गया 45 डिग्री नाउ अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है देखिए स्टूडेंट्स अब जो ये पी टी आर है और एस टी क्यू है ये क्या बन रहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं ये वाले दोनों तो हम ये लिखेंगे एस टी क्यू इज इक्वल टू पी टी आर इज इक्वल टू वर्टिकल अपोजिट एंगल तो ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 45 डिग्री तो एस टी क्यू की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास 45 डिग्री नाउ अब ये जो हमारे पास ट्राइंगल है छोटे वाली एस टी क्यू इसके अंदर हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एस की एस टी क्यू एंगल एस प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री हम लिखेंगे एस टी क्यू प्लस टी एस क्यू प्लस एस क्यू टी इज इक्वल टू 180 डिग्री दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी एस टी क्यू की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है दैट इज 45 डिग्री प्लस टी एस क्यू की वैल्यू हमें पता है 75 डिग्री एस क्यू टी हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर तो हम लिखेंगे 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री प्लस एस क्यू टी इक्वल टू 180 डिग्री एस क्यू की टी की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई 60 डिग्री 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ एंड द ट्राइंगल एफ लाइंस पी क्यू एस परपेंडिकुलर टू पी एस पी क्यू लाइन जो है वो पी एस पर परपेंडिकुलर है एंड पी क्यू एस पैरेलल टू एस आर पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस आर के एस क्यू आर इज इक्वल टू 28 डिग्री आपको गिवन है क्यू आर टी आपको 65 डिग्री गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है हम क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स ट्राइंगल ले लेते हैं एस टी क्यू ट्राइंगल हमने ले ली एस टी क्यू के अंदर हमारे पास हमने लिख लिया कि ये एक पेयर बना रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का दैट इज पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर टी तो वही लिखेंगे हम पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर टी दैट इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और पी क्यू आर पे हमने एक्स लिखा है और इसकी वैल्यू हमें गिवन है एक्सटीरियर एंगल की दैट इज 28 डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री दैट इज इक्वल टू 37 डिग्री तो हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 37 डिग्री नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास ट्राइंगल है पी क्यू एस इन ट्राइंगल पी क्यू एस वी हैव एस पी क्यू प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री ट्राइंगल पी क्यू एस के अंदर या एस पी क्यू के अंदर हमारे पास एक एक्स एक वाई और एक 90 डिग्री है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी इन दोनों को ऐड करेंगे 127 डिग्री आ गया प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री और हमारे पास वाई की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री दैट इज इक्वल टू 53 डिग्री यही हमें फाइंड आउट करना था एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू आ गई 37 डिग्री एंड वाई की वैल्यू आ गई आपके 53 डिग्री चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ इन द फिगर द साइड्स क्यू आर एंड
QR of a triangle PQR is produced to point S. Side QR को produce किया गया है point S तक triangle PQR के अंदर. If the bisector PQR and PRS meets at point T, bisector हैं जो PQR and PRS वो meet करते हैं point T पर. प्रूव करना है हमें कि QTR जो है वो हाफ ऑफ QPR है. बहुत इजी सॉल्यूशन है जो मैं आपको देने वाली हूँ. हम लिखेंगे इन ट्राइंगल QTR, ट्राइंगल QTR के अंदर x को एक एक्सटीरियर एंगल मान लिया हमने. ये एक्सटीरियर एंगल हमने दो ले लिए, ये भी x है, ये भी x है, और ये भी x है. x इज अ एक्सटीरियर एंगल. नाउ x इक्वल टू y, x जो है वो y के इक्वल है. x इज इक्वल टू y प्लस QTR, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, वही लिखेंगे हम. तो x की जो वैल्यू है वो y प्लस QTR के इक्वल हो जाएगी. तो जो ये y है प्लस का, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x माइनस y इज इक्वल टू QTR. अब हम एक ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल PQR. PQR ट्राइंगल के अंदर देखिए दो x आ रहे हैं, x और x, क्योंकि 2x जो है वो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है 2x. तो हम लिखेंगे 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 2y प्लस QPR. हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 2y प्लस QPR. जो ये प्लस का 2y है उसको हम अंदर ले आएंगे, तो हम लिखेंगे 2x इक्वल टू 2x माइनस 2y इज इक्वल टू QPR. अब देखिए यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस y इज इक्वल टू QPR. तो हम ऐसा लिखेंगे x, अब जो ये 2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, लिखेंगे x माइनस y इज इक्वल टू QPR डिवाइडेड बाय 2. अब x माइनस y की जो वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट कर ली थी, दैट इज QTR, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे QTR इज इक्वल टू QPR डिवाइडेड बाय 2, और हमारे पास आ जाएगा, यही हमें फाइंड आउट करना था, हाफ QPR. QTR इज इक्वल टू हाफ QPR, यही हमें फाइंड आउट करना था. दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो. बाय बाय.